हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कंपैरिजन को लेकर के है। जी हाँ दोस्तों, सी, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन में बेसिक एक प्रोग्राम बनाएंगे हम। क्योंकि हमारे एक व्यूअर हैं और हमारे यहाँ स्टूडेंट भी रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट पर, अंबुजेश्वर पाठक नाम है इनका, कुशीनगर पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये पढ़ते हैं, तो वहाँ पर चीजें इनके सर के ऊपर से निकल रही हैं। तो थोड़ा इन्होंने बोला है कि सर थोड़ा बेसिक चीजों को समझा दीजिए, जैसे ऐड करना है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे पाइथन में बात करें और जावा में बात करें या फिर सी में बात करें, सी प्लस प्लस में बात करें, तो इन सब में डिफरेंस हम कैसे करेंगे और कैसे कैसे प्रोग्राम लिखेंगे। तो प्रोग्राम लिखना तो पहले भी बता चुका हूं, एक ही वीडियो में इन सब में कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सी से स्टार्ट करता हूं, कोड ब्लॉक्स हमें ओपन करना है, तो यहां सर्च कर लेता हूं कोड ब्लॉक्स। मैंने कोड ब्लॉक्स को इंस्टॉल कर रखा है, तो यहां पर आपको कोड ब्लॉक्स देखने को मिल जाएगा। यहां पर क्लिक कर दीजिए, कोड ब्लॉक्स ओपन होने लगेगा। अब ये ओपन हो चुका है, यहां से क्लिक करता हूं, एम्प्टी फाइल चूज कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हेडर फाइल बना लेता हूं, हैश इंक्लूड, फिर यहां हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड conio.h ये लिख दिया हमने। और फिर यहां पे नीचे आएंगे, मेन फंक्शन बना लेते हैं, तो ये बना लिया हमने मेन फंक्शन। ठीक है, आप चाहे तो इंट मेन लिख सकते हैं, बाद में रिटर्न करवा सकते हैं, रिटर्न जीरो आपको लिखना पड़ेगा। यहां पर आ गए, अब यहां पे इंट टाइप का एक डेटा टाइप बना रहा हूं मैं। यहां पहला वेरिएबल ए बनाया, दूसरा वेरिएबल बी, तीसरा सी, तो ये तीनों वेरिएबल हमने बना लिए। अब यहां पर क्या करना है, यूजर को स्क्रीन पर क्या दिखाई पड़ना चाहिए, यूजर को स्क्रीन पर दिखाई पड़ना चाहिए एंटर टू नंबर्स, तो हम भी वही दे देते हैं एंटर टू नंबर्स। आपको इनवर्टेड कॉमा में लिखना है, डबल इनवर्टेड कॉमा में ये चीजें लिखनी है। ठीक है, ये दे दिया हमने एंटर टू नंबर्स और इसे टर्मिनेट कर दिया। अब चूंकि यूजर एंटर करेगा, दैट्स व्हाई स्कैनअप भी लगाना जरूरी, क्योंकि यूजर की मदद से इनपुट कराने के लिए सी लैंग्वेज में स्कैनअप यूज होता है। ठीक है, तो यहां पे देता हूं परसेंट डी, दो बार परसेंट डी क्यों, क्योंकि पहली वैल्यू ए में, दूसरी वैल्यू बी में जाकर स्टोर होगी, और दोनों ही का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, और इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट डी, कॉमा एड्रेस ऑफ ए, पहली वैल्यू ए में, और कॉमा एड्रेस ऑफ बी, दूसरी वैल्यू बी में जाके स्टोर होगी। ये हमने कर दिया। अब फिर नीचे आएंगे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमने कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। फिर यहां पर आएंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे, ये लिख दिया प्रिंट एफ, और यहां पर देता हूं परसेंट डी इज द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये लिख दूंगा, यही प्रिंट होकर आएगा जबकि हमारा रिजल्ट आने वाला होगा तब। ठीक है, इस प्रोग्राम के चलने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इसी में प्रिंट होकर आएगा। तो ये हमने कर दिया, सारी चीजें ओके हैं। यहां से जाइए और सेव फाइल पे कर दीजिए क्लिक। तो सेव फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी, इसको मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूं सेव। यहां पर आऊंगा, यहां पर मैं करता हूं एस यू एम सम डॉट सी, डॉट सी लगाना जरूरी, सी लैंग्वेज के फाइल की एक्सटेंशन होती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ बिल्ड पे जाना है और यहाँ से कंपाइल करवाना है इसको। अगर कोई एरर नहीं है तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाएगा, हो भी गया। अब हमें इसे रन करवाना है, तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये रन हो गया। अब पहला नंबर एंटर करता हूँ 7, दूसरा नंबर एंटर करता हूँ 8, तो 7 और 8 का एडिशन होकर आ गया है 15, इज द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, क्लियर है। इसी प्रोग्राम को अगर दोबारा से मैं चला देता हूँ यहाँ से, तो देखिए फिर यही लिख के आ रहा है, और अब इस बार हम 88 एंटर करते हैं और दूसरी वैल्यू एंटर करते हैं 45, तो इन दोनों का एडिशन 133 होकर आ गया है। चलिए अब C++ की बात करते हैं, तो ये पहली फाइल हो गई C की। यहां से एक एम्प्टी फाइल चूज करता हूं और यहां पर अब बात कर लेते हैं C++ की। ठीक है, डॉट C लगाया था हमने, अगर हम इसे रन करवाते तो ये इस तरीके से रन हो जा रहा था। ठीक है, और हम इसमें एंटर करते वैल्यूज तो वो कैलकुलेट होकर भी आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं एडिशन डॉट सीपीपी की। तो यहां पर आ गए, यहां पर हमने लिखा हैश इंक्लूड, मैं हेडर फाइल इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। ये देखिए यहां पे हेडर फाइल नहीं लिख रहा, सिर्फ आईओ स्ट्रीम लिख रहा हूं। ठीक है, पूरा हेडर फाइल नहीं लिख रहा, डॉट एच लिखता तो हेडर फाइल होती है, तो यहां पे सिर्फ लिखा है मैंने आईओ स्ट्रीम। ठीक है, आईओ स्ट्रीम एस टी आर ई ए एम होता, यूज कर लेता हूं यूजिंग नेम स्पेस, तो आपको लिखना है यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, तो ये यूजिंग नेम स्पेस, ये नेम स्पेस क्यों लिख रहा हूं, नेम स्पेस में भी क्लासेस के डिक्लेरेशन मौजूद होते हैं। आपको याद होगा कि सी लैंग्वेज की जो फाइल हमने बनाई थी उसमें मौजूद थी किस चीज की डिक्लेरेशन, जैसे मान लीजिए हैश इंक्लूड stdio.h हम लिखते थे तो उसमें printf की डिक्लेरेशन मौजूद होती थी। ठीक है, तो इसी तरह से नेम स्पेस में भी डिक्लेरेशन मौजूद होता है। ठीक है, और यहां पर इंट मेन लगा देते हैं, अगर आप नहीं चाहते इंट लगाना तो छोड़ दीजिए, सिर्फ मेन लिख लीजिए।
यहां मेन लिख लिया हमने और यहां पर आ गए, ठीक है। अब यहां पे कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद वेरिएबल्स बनाने जरूरी है, तो यहां पे एक वेरिएबल इंट टाइप का बना ले रहा हूं, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तीनों वेरिएबल हमने बना लिए। अब फिर एंटर करके नीचे आता हूं, यहां लिखता हूं सी आउट, और यहां पर दे दूंगा कि यूजर को स्क्रीन पे क्या दिखाई पड़ेगा। तो यूजर को स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा एंटर टू नंबर्स, तो बस यूजर नंबर एंटर करेगा। अब वो नंबर्स जो यूजर एंटर करेगा वो स्टोर भी तो होने चाहिए, और तो जब स्टोर होने चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना है, सी लैंग्वेज में हम लगाते थे स्कैनफ, आप देख सकते हैं यहां मैंने स्कैनफ लिखा है, लेकिन यहां स्कैनफ नहीं यूज करना है, ठीक है। यहां मैं सी इन यूज करना है, तो यहां लिख देता हूं सी इन, ठीक है। और सी इन लिखने के बाद आपको यहां पर स्टोर करानी है वैल्यूज, तो ए में वैल्यू स्टोर होगी पहली, फिर यहां पे बी में स्टोर होगी दूसरी वैल्यू, तो ये हमने कर दिया टर्मिनेट कर दिया ये इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे सी आउट भी हो गया और सी इन भी हो गया। अब इसको डिफाइन करने की बारी है, तो डिफाइन कैसे करें, डिफाइन करने का भी बहुत आसान तरीका है, यहां पर आपको सिर्फ लिखना है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, जैसा कि आप सी लैंग्वेज में करते थे बिल्कुल वही काम। तो चलिए यहां पे लिखता हूं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ओके, ये काम हो गया, बहुत ही आसान हो गया हमारा काम। अब यहां पे लिखता हूं सी आउट, क्योंकि प्रिंट करवाना है तो सी आउट लिखना पड़ेगा, तो ये लिख दिया हमने। और यहां पे क्या देना है, सी आउट में लिखना है ए, ठीक है, ए ही में तो पहली वैल्यू है हमारी स्टोर, और यहां पे लिख देता हूं प्लस, क्योंकि आप ऐसा चाहते हो कि आप पहली वैल्यू एंटर करें 5, ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू एंटर करें 4, तो ऐसे लिख कर आए 5 + 4 = 9, ऐसे आंसर प्रिंट होकर आए, तो यहां पर आपको प्लस देना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर मैं प्लस दे देता हूं, ठीक है, अगर आप हटा देंगे तो सिर्फ रिजल्ट प्रिंट होकर आएगा, तो यहां पे कर देता हूं प्लस, ठीक है, प्लस कर दिया, तो ये प्लस जो है प्रिंट होकर आएगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर बी लगाता हूं, तो पहली वैल्यू ए में दूसरी वैल्यू बी में प्रिंट होकर आएगी, तो यहां पे कर देता हूं बी, ठीक है। और फिर यहां पर बी करने के बाद इज इक्वल टू लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि इज इक्वल टू भी तो चाहते हैं, तो इज इक्वल टू लगा दिया हमने, बस इतना ही करना है आपको। और किस में जाके वैल्यू स्टोर होगी, सी में जाके स्टोर होगी, तो सी कर दिया हमने बस, ओके, यहां तक बात तो क्लियर होगी। अब इसको सेव करने की बारी है, तो सेव कर लेते हैं चल करके इसको, तो यहां से चल के और फाइल पे जाके और इसको सेव करता हूं, ठीक है, ये सेव हो गई वैल्यू। अब यहां पर इसको कंपाइल करवाते हैं, तो प्रोग्राम हमारा नो डाउट की सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो चुका है। अब यहां पर जाकर के इसको रन करवा लेता हूं, तो ये यहां पर लिखा हुआ आ रहा है एंटर टू नंबर्स, तो चलिए ये एंटर करते हैं 66, और इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो यहां पे देख सकते हैं 66 + 7 = 73, ऐसे लिख के आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको हटा देंगे प्लस को तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन आपका रिजल्ट सिर्फ प्रिंट होकर आएगा, ये प्लस वगैरह नहीं प्रिंट होकर आएगा। पाइथन की बात करते हैं, तो यहां से पाइथन का जो आईडी है उसे ओपन कर लेना है, तो ये पाइथन हमने ओपन किया। अब इसे पाइथन की शेल कहते हैं, ठीक है, यहां पर जाकर के हम न्यू फाइल ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमें वो कोडिंग करनी है, तो पहला वेरिएबल बना लेते हैं x, ठीक है, x इज इक्वल टू इंट, इंट टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, और यहां पे एक फंक्शन यूज करेंगे इनपुट, और यूजर को स्क्रीन पे क्या दिखाई पड़ेगा, एंटर द फर्स्ट नंबर, ये यूजर को स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसको यहां से क्लोज कर देंगे, दो ब्रैकेट ओपन किए थे दोनों क्लोज कर देंगे, और ये जो डबल इंटेड कॉमा है आप इसे सिंगल इंटेड कॉमा में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैंने डबल इंटेड कॉमा लगाया है, आप सिंगल इंटेड कॉमा भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अब यहां पे देना है y इज इक्वल टू इंट सेकेंड नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर, ओके, ये दे दिया, क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ऐसे एंटर प्रेस कर दीजिए, इज इक्वल टू होगा यहां, ये इज इक्वल टू कर दिया, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमने लिख दिया, और अब आपको इसे सेव कर लेना है, तो यहां से जाके सेव कर लीजिए और फिर रन पे क्लिक कीजिए, ये देख सकते हैं रन करवाया हमने, यहां पे लिखा हुआ एंटर द फर्स्ट नंबर, यहां 67 एंटर किया, यहां 78 एंटर किया, तो यहां पे देख सकते हैं 145, एडिशन इज 145, ये लिख करके आ गया। अब बात कर लेते हैं जावा की, और अब दो नंबर्स को ऐड कराने के लिए ये जावा का कोड कमांड लाइन आर्गुमेंट पे ये कोड हम रन करवाएंगे, पहले इसको सेव कर लेते हैं। क्लास किस नाम से बनाया हमने, ये देखिए एड टू नंबर्स टू, तो इसी के नाम से हमने क्लास बनाया है और इसी के नाम से इस फाइल को सेव भी करना है, टू नंबर्स टू डॉट जावा, तो डॉट जावा लगाना जरूरी, जावा के फाइल की एक्सटेंशन होती है, ये लगा दिया हमने। अब कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, तो आप यहां से
तो आप स्टार्ट बटन पे भी जाके कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हैं यहाँ से सीएमडी लिख करके कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ से भी ओपन कर पाएंगे ठीक है। या फिर आप विंडोज के साथ आर बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे लिखिए सीएमडी, एंटर प्रेस कर दीजिए तो भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर उस फोल्डर में जाना है जहां पर हमारी फाइल मौजूद है, या फिर उस जगह पर जाना है जहां पर हमारी फाइल मौजूद है। तो यहाँ पे हमारी फाइल डेस्कटॉप पे मौजूद है, तो यहाँ सीडी डेस्कटॉप करता हूँ, यहाँ आ गए हम डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे मौजूद है हमारी फाइल, तो यहाँ लिखता हूँ जावा सी और यहाँ पर उस फाइल का नाम तो एड टू .java फाइल की एक्सटेंशन होती है, तो एंटर प्रेस कर दिया। अब यहां पर पैकेज के बारे में बोल रहा है, ये पैकेज किसी फोल्डर में हमने इसे रखा नहीं, तो हमें इसको उस फोल्डर में डालना होगा। तो यहां पर ये जावा नाम का फोल्डर है, इसी के अंदर इसको डाल देता हूं ठीक है। अब ये डाल दिया हमने, अब हमें वापिस से चलना है, कहा कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, तो यहां से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूं, ये ओपन हो गया। अब यहां पे पहले हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, तो यहां सीडी डेस्कटॉप कर देता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं। अब जाना है सीडी जावा, जावा नाम का फोल्डर है उसी के अंदर हमें जाना है, तो ये आ गया जावा नाम के फोल्डर में। अब हमें यहां पे लिखना है जावा सी, कंपाइल करवाने के लिए ये लिखते हैं जावा सी और यहां पे एड टू नंबर्स टू डॉट जावा, तो ये डॉट जावा भी लगा देना है आपको और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी ये फाइल कंपाइल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसे रन करवाना है, तो रन करवाते वक्त आपको क्या लिखना है, टाइप करना है सिर्फ जावा और फाइल का नाम एड टू नंबर्स टू, बस इतना ही लिखना है, एंटर प्रेस कर देना है ठीक है। तो यहां लिखा हुआ आ रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, तो यहां एंटर करता हूं 45, एंटर द सेकंड नंबर 7 एंटर करता हूं, तो यहां पे देखिए इन दोनों का एडिशन होके आ गया है। अगर आप इसको दोबारा से रन करवा देते हैं तो क्या होगा, यहां पे लिखिए जावा और फिर यहां पर उस फाइल का नाम एड टू नंबर्स टू ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए दोबारा से, एंटर द फर्स्ट नंबर, यहां पे एंटर किया आपने 543, सेकंड नंबर 7 और यहां पे इन दोनों का एडिशन होके आ गया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम कैसे एडिशन करा सकते हैं ठीक है। इससे कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर हो जाएगा, जो बेसिक स्टूडेंट जिनको समझ में नहीं आती है ये बातें कि कैसे कैसे इसे करना है, तो वो सारी बातें यहां पर क्लियर जरूर हो जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।